डियर व्यूअर असलकम एंड कम बैक पी पी एस सी ऑफिशियल चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है ये पंजाब फूड अथॉरिटी में होने वाला पी पी एस सी के थ्रू फूड ग्रेन सुपरवाइजर का सोल पेपर जो कल ही सेवन फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यानी सात पाँच दो हज़ार तेईस को फर्स्ट शिफ्ट में लिया जाने वाला पेपर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ठीक है ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके तो अब बग़ैर वक़्त ज़ाया किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन इसमें फुल सोल वन हंड्रेड एम सी क्यूज हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी करते हैं आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ तरफेंटीफाई द एडवर्ब आफ टाइम यहाँ पर अब डाउन और देर में से एडवरब ऑफ टाइम कौन सा है ये जो टू डे है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था क्वेश्चन नंबर टू है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडर वर्ड वाई डू नाट यू लिसन टू यूर टीचर्स अटेंटिवली इन द क्लास यहाँ पर ये देखना है कि ये जो अटेंटिवली है ये एडवर्ब की कौन सी टाइप है ये है एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यही करेक्ट था एडवर्ब ऑफ मैनर क्वेश्चन नंबर थ्री है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द वर्ल्ड हैप्पी हैप्पी का जो एडवर्ब बनता है उसको आइडेंटिफाई करना हैप्पी है एडवर्ब ऑफ मैनर तो इसके आगे एलवाई लग जाएगा हैप्पीली ये जो हैप्पीली है ऑप्शन नंबर बी यही कुरक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ब द कैट्स फॉर फील्ज सिल्की द कैट्स फॉर फील्ज सिल्की ये जो फील्स है ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वर्ब है ये एक लिंकिंग वर्ब है इसको कापुलर वर्ब भी कहा जाता है यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर डी है लिंकिंग वर्ब यही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है आइडेंटिफाई द जेंडर फ्रॉम द गिवन नाउंस ये चार नाउंस दिए गए हैं नर्स मेड कंप्यूटर एंड अ डॉक्टर यहाँ पर देखना है कि कौन सा एक न्यूटर जेंडर है तो जो मेरा जो ख्याल है यहाँ पर कोई भी न्यूटर जेंडर नहीं है ये जो सभी हैं, ये एक स्पेसिफिक तौर पर यूज़ किए जाते हैं ये न्यूटर जेंडर नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग इन चारों में से जो करेक्ट स्पेलिंग है वो देखने थे करैक्टरिस्टिक्स करैक्टरिस्टिक्स के स्पेलिंग होते हैं सी एच ए आर ए सी टी ई आर आई एस टी आई सी एस यहाँ पर जो ऑप्शन ए बन रहा है यही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन है आई कैन नाट फाइंड माई ग्लासेस मुझे अपनी एनिक नहीं मिल रही एनिक नहीं मिल रही वेयर आर दे यहाँ पर जो करेक्ट लगेगा वो होगा वेयर वो कहाँ पर हैं तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एट है आइडेंटिफाई द काउंटेबल नाउन ये चार हैं सैंड साल्ट सोप और साइल इनमें से ये देखना है कि किन किस नाउन को गिना जा सकता है ये जो साल्ट सैंड और साइल हैं इनको तो नहीं गिना जा सकता तो ये सोप ही करेक्ट है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस। ही इज़ एज़ फास्ट एज़ अ लाइन वो शेर जितना तेज़ है यहाँ पर एज लग जाए वो सीमाइल होता है वो सीमाइल की फिगर ऑफ स्पीच होती है तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है यही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर टेन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडर क्लास द लैंड गेट्स वेट वेन इट रेन्स। यहाँ पर ये जो द लैंड गेट्स वेट है ये देखना है कि ये कौन सा क्लास है ये है एडवर्बियल क्लास ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन है दे कुड नाट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे डैश द ऑफिस इन टाइम दे कोड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज दे हैड नाट रीच द ऑफिस इन टाइम यहाँ पर लगेगा हैड नाट रीचड ये सी कुरेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है फिल इन द ब्लैंक विद द एडजेक्टिव ऑफ करिज पाकिस्तान इज नाउन फॉर इट्स डैश आर्मी यहाँ पर करेज का एडजेक्टिव लगाना है करेज का एडजेक्टिव बनेगा करेजियस तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यही कुरेक्ट होगा पाकिस्तान इज नाउन फॉर इट्स करेजियस आर्मी क्वेश्चन नंबर थर्टीन है सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू फिल इन द ब्लैंक द एक्स डैश मैनेजर हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड दिस डॉक्यूमेंट द एक्स मैनेजर यहाँ पर हाइफन लगेगा ये जो छोटी सी लाइन होती है इसको हाइफन कहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन को देख लेते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इट वॉज अ प्रोडक्टिव डे टू डू ड्राइंग एक्टिविटी ये जो सेंटेंस है ये तो सिंपल ही सेंटेंस है इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा सिंपल सेंटेंस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है व्हाट इज़ मेंट बाय फोर फादर्स ये जो हमारे अबाऊ अजदाद होते हैं उनको हम कहते हैं हमारे फोर फादर्स हमारे प्रेडिससर्स या हमारे अंसेस्टर्स तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है अनसेस्टर्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन यूएस एंड तालिबान इन ये जो दोहा एग्रीमेंट थी ये 29 फरवरी 2020 को साइन की गई थी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर द फॉलोइंग इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ये जो यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यही है वो ऑर्गेनाइजेशन इसका ऑप्शन ए क्वैक्ट था क्वेश्चन नंबर एटीन है द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर रिप्रेजेंटेड बाय अ बोर्ड ऑफ डैश हु आर द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स एट द वर्ल्ड बैंक हर मुल्क के अपने ही गवर्नर्स होते हैं जो वर्ल्ड बैंक में वो रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी कुरैक्ट था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है अमेरिकन फोर्स इंटर्ड इन अफ़गानिस्तान इन अमेरिकन की जो फौज थी फोर्सेस थी वो अफ़गानिस्तान में कब इंटर हुई थी नाइन एलेवन का जो वाक़ हुआ था उसके बाद यानी कि दो हज़ार एक में तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है यमन क्राइसिस स्टार्टड इन यमन में जो क्राइसिस हुए थे वो कब शुरू हुए थे वो तकरीबन दो में शुरू हुए थे तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी कुरट है टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है आयशा ए हैज बीन अपॉइंटेड एज आयशा मलिक क्या बन गई हैं आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन गई हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इराक कुवैत इन इराक ने कुवैत पर हमला कब कर गया था वो उन्नीस सौ नब्बे में किया था तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी अगस्त नाइनटीन नाइन्टी तो यही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर साइज यहाँ पर कौन सा एक पेपर साइज नहीं है ये जो लैंडस्केप है ये पेपर साइज नहीं है यही करेक्ट है सी लैंडस्केप एक पेज ओरिएंटेशन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है कंप्यूटर ऑपरेटर्स कंप्यूटर ऑपरेटर्स क्या करते हैं जो कि कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम वगैरह भी लिखते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं इनपुट आउटपुट डाटा सब कुछ करते हैं ये यह. तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी ही करेक्ट है ऑल ऑफ दीज हमारा क्वेश्चन नंबर पच्चीस है अली ने एक मोटरसाइकिल साठ हज़ार रुपये में खरीदी और बाद में उसको छियासठ हज़ार रुपये में फ़रुख्त कर दिया उसमें उसका नफ़ा बताना है वो भी परसेंटेज में अगर इसको निकाला जाए तो ये तकरीबन दस परसेंट ही बनती है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट था क्वेश्चन नंबर छब्बीस था अगर एक अमेरिकी डॉलर दो सौ अस्सी रुपये का हो तो फिर जो छप्पन हज़ार रुपये हैं उनमें से कितने उनके कितने अमेरिकी डॉलर बनेंगे उनके 200 अमेरिकी डॉलर बनेंगे तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है हमज़ा के पास दो हज़ार रुपये थे उसने स्टेशनरी खरीदी जो कि 2000 का 14 फ़ीसद है अब उसके पास बाकी रकम होगी तो ये जो 2000 का 14 फ़ीसद है वो दो सौ बनेंगे तो 2000 में से दो सौ निकाल दें तो वह बच जाते हैं सत्रह सौ तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट था क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस है पचहत्तर हज़ार रुपये की प्रिंसिपल रकम पर नाइन फ़ीसद सालाना की शरह से तीन साल का मार्कअप होगा यह तीन सालों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये बनता है बीस हज़ार दो सौ पचास रुपये तो इसका ऑप्शन भी बी ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है दो मकदारों में से अगर एक मकदार बढ़े या कम हो और दूसरी मकदार भी इसी तनासब से बढ़े या कम होती है तो मकदारों के दरमियान ये जो तनासब है इसे क्या कहते हैं इसे हम डायरेक्ट प्रपोशन कहते हैं राय रास्त तनासब या तनासब रास्त तो इसका ऑप्शन जो बी था ये क्रैक्ट था क्वेश्चन नंबर तीस है ये लेस दैन ग्रेटर दैन वग़ैरह ये जो इलामत हैं अगर ये इलामत किसी मसावत में पाई जाती हैं तो वह मसावत क्या कहलाती हैं वो गैर मसावत कहलाती हैं यहाँ पर इक्वल का बराबर का साइन ना हो वो वह गैरमतर मसावत होती हैं तो इसका ऑप्शन यहाँ पर मेरे ख्याल से बी ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है दो मसलसल मसबत आदाद का हासिल ज़रब नाइंटी है तो अदद होंगे ये या तो बनते हैं छः और पंद्रह या बनते हैं नौ और दस तो इनमें से ऑप्शन ए या फिर बी करेक्ट है ये आप लोगों ने देख लेना है इसके साथ ही इस एक मुसलस के दो अजला की लंबाइयों का मजमु तीसरे जिला की लंबाई के होता है या तीसरे जिला की लंबाई से हमेशा बड़ा होता है तो इसका ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट होगा बड़ा क्वेश्चन थर्टी फोर है एक शुआ कितनेरों पर मुश्तमल होती है एक शुआ एक रे एक ही एंड पॉइंट पर मुश्तमल होती है तो इसका ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है दी गई लंबाइयों में से किससे मुसलस बन सकती है तो ये जो ऑप्शन डी है तीन चार और पांच तीन और चार मिलकर बनाते हैं साथ तो ये जो टू एंगल्स इज़ ग्रेटर देन द थर्ड एंगल तो इसका ऑप्शन यही डी करेक्ट होगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स था एक सौ बीस तलबा की क्लास में पचास लड़के और बाकी लड़कियां हैं तो लड़कियों की तमाम तलबा से नस्बत क्या है तो अगर एक सौ बीस से पचास निकाल दे तो बाकी बचते हैं सत्तर और सत्तर सौ सत्तर को एक सौ बीस से डिवाइड करें तो सात रेशो ट तो इसका ऑप्शन जो सी है यही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है ज्योमेट्री किस जबान का लफज है ज्योमेट्री ग्रीक लैंग्वेज का लफज है तो ये जो यूनानी है ये करेक्ट होगा इसका ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है जुमले में कोसैन के दुरुस्त इस्तेमाल की निशानदही करें असल मेरा हमसाया रात देर से आता है असलम और ये जो मेरा हमसाया को सैन में है मेरे ख्याल से यही करेक्ट होगा तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है गुज्त साल चावल की फसल कम हुई इसम नकरा के अतबार से साल है ये जो साल है ये होगा इसमें ज़रफ़ ज़मा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर भी ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोटी है दुरुस्त मुहावरा है यहाँ पर दुरुस्त मुहावरा देखना है तो ये होगा चराग तले अंधेरा ये काफ़ी सिंपल है इसका ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है पिछले हफ्ते चनोड में शादी की तकरीब में शिरकत की वहाँ इंतजाम अच्छे ना थे बिजली बंद होने की वजह से लोगों का बुरा हाल हो गया और लोगों को लुफानंदोज़ तो भी नहीं हुए तो ये जो होगी ये गुफ्तु देखनी है ये तनकीदी गुफ्तु है तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है और इसके बाद जो पेज है इकतालीस से लेकर चौवन एम सी क्यूज़ तक वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है सब कुछ धुंधला है तो वो समझ ही नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है तो अब हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव से आगे देखेंगे पाकिस्तान के गैर मुस्लिम हमसाय मलक ये हैं गैर मुस्लिम हमसाय मलिक पाकिस्तान के इंडिया और चाइना हैं तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है जनूब मशरक़ी एशिया के मुस्लिम ममालिक में शामिल हैं साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पर काफ़ी सारे मुस्लिम मुसलमालिक आ जाते हैं जिस तरह मलेशिया इंडोनेशिया बरूनाई दारुल इस्लाम वगैरह तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है मलेशिया और ईरान ये तो ईरान तो ना हुआ बांग्लादेश और ईरान भी नहीं हुआ बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान भी ना हुआ तो जो जो ऑप्शन डी होगा वही करेक्ट होगा क्रिप्स तजावीज़ में तय पाया कि अंग्रेज़ दौरान जंग हिंदुस्तान का के इकतदार को हिंदुओं को देगा मुसलमानों को देगा या को छोड़कर चला जाएगा उसमें ये तीनों नहीं तय पाए थे उन्होंने कहा था कि हम इसी पर जंग के आखिर तक कंट्रोल रखेंगे लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं ने दोनों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था तो इसका ऑप्शन यहाँ पर अब डी वाजह नहीं है तो या तो डी है या फिर हो सकता है कि बी करेक्ट हो छोड़ कर चला जाए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है हज के मौके पर हज़रत हाजरा असलाम की सुन्नत की पैरवी करते हुए ख़वातीन के मज़लूम अब ये आगे भी क्लियर नहीं है तो ये जो जो सारा प्रोसेस था वो होता है सफ़ा और मरवा पर तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से बी ही करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन है पाकिस्तान की अहम तरीन इम्पोर्ट्स दरामदात में शामिल हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह ही होती हैं तो ये जो सी है ऑप्शन यही करेक्ट है अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है चलगोजा का दरख्त पाया जाता है चलगोज़ा का जो दरख्त है वो पाकिस्तान के नार्दर्न एरियाज़ में गिलगत बल्तिस्तान वगैरह जो हो गए वहाँ पर पाया जाता है तो वहाँ पर जो बारिश है वो काफ़ी मॉडरेट या कम होती है कम बारिश वाले पहाड़ी इलाके में यह जो ऑप्शन सी है यह करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन है द्राए सिंध जाकर गिरता है सिंध तो बैर अरब में जाकर ही गिरता है द अरेबियन सी तो इसका ऑप्शन भी सी ही करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू है सूबा के पी के से तल्लक रखने वाले सूफी बुजुर्ग हैं बाबा गुलाम फरीद शकरगंज तो ये जो ऑप्शन सी है यही दुरुस्त होगा हजरत बाबा फरीद रमतल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री को देख लेते हैं जनूबी पंजाब में पाए जाने वाली नहरें हैं ये जो जनूबी पंजाब है यहाँ पर जो नहरें पाई जाती हैं उनको कहा जाता है बारानी नहरें तो यहाँ पर ऑप्शन ए है गैर सलाबी नहरें सलाबी नहरें दो नहरें ये जो ऑप्शन डी होगा वही दुरुस्त होगा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर था नहरू रिपोर्ट हिंदू जहनीत की अक्कासी थी जिसमें इसमें जो है मुसलमानों के जो मफादात थे या जो भी मुतालबात थे उसको रद्द कर दिया गया था तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट था ये अंग्रेज़ों के भी खिलाफ थी और इसमें जुदा गाना हक का भी अख्तगाम नहीं किया गया था और अंग्रेज़ों ने भी इसको रद्द कर दिया था तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव है इस्लामी और मशरक़ी पहलुओं का इजहार होता है ये पाकिस्तानी सकाफत से ही इसका ऑप्शन यहाँ पर सी कुरेक्ट है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यह ताजिकिस्तान को और पाकिस्तान को वखान कॉरीडोर आलहदा करती है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा क्योंकि ए बी और सी तो नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है पंजाब हुकूमत का तहफ़ नसुवा एक्ट द वमेन प्रोटेक्शन एक्ट कब मंज़ूर हुआ था ये दो हज़ार सोलह में मंजूर हुआ था इसका ऑप्शन सी करेक्ट है अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है मुस्लिम लीग ने उन्नीस सौ पैंतालीस और उन्नीस सौ छियालीस के इलेक्शन में अजीम कामयाबी हासिल की जिससे यह साबित हुआ कि मुस्लिम लीग का हक हाँ था कि वह पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करे कांग्रेस के तमाम दावे गलत हैं कांग्रेस का भी हमें था ये कांग्रेस के जो तमाम दावे थे वो गलत हैं तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन था खारजा पॉलिसी क्या होती है फॉरेन अफेयर्स किसे कहते हैं फॉरेन अफेयर्स कहते हैं किसी दूसरे मुल्क से तलकात अंदरूनी मुलक तो के अहम अफराद से तल्लत तो अहम अदारों से तल्लत तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हैं इसका यही मतलब है कि जो ऑप्शन डी था वही करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है लिहाजा वो दुनिया में कायम करन करना चाहता है ताकत दौलत या तरक्की ये तीनों ही नहीं हो सकती यहाँ पर मेरे ख्याल अमन होगा ऑप्शन डी या जो भी होगा वही कुरट होगा कोश्चन नंबर सेवनटी वन है वादी गुजाल में पाया जाने वाला ग्लेशियर है वादिया उजाल जो अपर हंजा का इलाका है वहाँ पर वाक़ है और वाजह गुजाल में बतूरा का ग्लेशियर वाक़ है इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है और क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है नवाज़ शरीफ के दूसरे दौर में आयन मैन तेरहवीं तरमीम के तहत सदर के इख्तियारा को नवाज़ शरीफ का जब दौर था तो उस वक्त आयन मैन तेरहवीं तरमीम की गई थी और उसमें जो सदर के इख्तियारत थे उसको बहुत कम कर दिया गया था तो इसका ऑप्शन डी पता नहीं क्या है पहला है ख़त्म कर दिया गया था ख़त्म तो नहीं किया गया था बरकरार भी नहीं रखा गया था और ज़्यादा भी नहीं किया गया था तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से डी ही करेक्ट होगा पाकिस्तान के हिस्से में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कितने कारखाने और बैंकों की शाखें आई थी चौबीस कारखाने और एटी नाइन बैंकों की शाखें तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो थर का रेगिस्तान है थर का सहरा है ये पंजाब के किस अजला में फैला हुआ है ये मियाँ वाली खोशाब लिया और भखर के दरमियान फैला हुआ है तो इनमें से जो ऑप्शन सी है यही करेक्ट है अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें यह पूछा गया था कि कश्मीर की मशहूर शायरा कौन थी लफा शायरा है तो ये जो हबा ख़तून थी ऑप्शन नंबर डी ये क्रैट है ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है का अमल क्या कहलाता है ये यहाँ पर क्लियर नहीं है पता नहीं ये क्या पूछा हुआ है तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है ताकि इसका राइट right आंसर पता चल जाए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी मुल्क का जो रहन सहन होता है रस्म व रवाज होता है समाजी और मजहबी जो भी उसकी चीज़ें होती हैं वो उसको सकाफत को ज़ाहिर करती हैं तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि थर्मामीटर को बनाने के लिए कौन सी दांतों का इस्तेमाल किया जाता है थर्मामीटर को बनाने के लिए कॉपर और स्टील को यूज़ किया जाता है या फिर कॉपर और ब्रास को भी यूज़ किया जा सकता है या यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट होगा जो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो न्यूटन के कौन से ला से मुताबकत रखता है या मिलता जुलता है द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो था उससे वो मिलता जुलता है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट था अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी चीज़ का जो इमेज है वो आंख के किस हिस्से में बनता है वो आंख का जो रेटिना होता है वहाँ पर इमेज बनता है तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84 है दर्ज जैल में से बुनियादी फोटोसेंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है बुनियादी फोटोसेंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 85 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने वाला आला कहलाता है वो आला जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है वो बैरोमीटर कहलाता है यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स है जिसम में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला काम करते हैं ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको हम रिथ्रोसाइड्स कहते हैं ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं जिसका ऑप्शन यहाँ पर डी क्रैक्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी सेवन है मोटी जिल्द वाले खुश्क तरीन माहौल में रहने वाले पौधे क्या कहलाते हैं वो पौधे जो कि खुश्क माहौल में रहते हैं वो ज़ीरो फाइट्स कहलाते हैं तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एट्टी एट है पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट डैश की वजह से कहा जाता है पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कहा जाता है और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसके लिए होता है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए क्वेश्चन नंबर एटी नाइन है एक ऐसी शय जो एसड और बेस दोनों के तौर पर काम करती है वो क्या कहलाती है कोई भी ऐसी चीज़ जो एसड और बेस दोनों के तौर पर काम करे वो एम्फोटरिक कहलाती है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है सालवे प्रोसेस किस चीज़ की तैयारी में इस्तेमाल होता है यह जो सालवे प्रोसेस है ये सोडियम कार्बोनेट की प्रपेशन के लिए तैयार होता है यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा अगर ये सोडियम कार्बोनेट है तो यही दुरुस्त होगा ये जो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन है इसको देखते हैं माया हाइड्रोकार्बन लीकोड हाइड्रोकार्बनस को गैसी हालत में तब्दील करने में कौन सा अमल शामिल है इनमें अगर देखा जाए तो ये जो पायरोलाइसिस है ये करेक्ट है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी दुरुस्त होगा और इसके अलावा इसमें बॉयलिंग फ्लैश एबॉपेशन ग्लासिफिकेशन कैटलाइटिक क्रैकिंग और पायरोलाइसिस वग़ैरह भी यूज़ होते हैं अगर डी में इनमें से कोई मौजूद है तो फिर वो भी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू है मार्जरीन किस अमल से तैयार होती है मार्जरीन हाइड्रोजिनेशन के अमल से तैयार होती है यहाँ पर ऑप्शन सी मौजूद है हाइड्रोजिनेशन तो यही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री है शादी शुदा जानी शरीयत के रूप से किस सज़ा का मुस्तह है जो शादी शुदा हो और वो जिना करे वो रजम की सज़ा का मुस्तक होता है तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है रजम कहते हैं किसी को पत्थर मार मार कर मार डालना क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर है माल की कम अज़ कम मकदार जिस पर ज़कवा़त वाजिब होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम निसाब कहते हैं और जिस शख्स पर ज़क़़़़त फ़र्ज़ हो जाए उसे हम साहेब निसाब कहते हैं तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फाइव है हक और बातल में फ़र्क करने वाली क़ुत को क्या कहते हैं हक और बातल के दरमियान फ़र्क फ़र्क फुरकान तो इसका ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है जो हक और बातल के दरमियान फ़र्क करती है उसे हम फुरकान कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स है कुरान क़रीम में ऊँठनी का मुआवजा किस पैगम्बर से मनसूब किया गया है कुरान मजीद में जो ऊँठनी का किस्सा है या मुआवज़ा है वो हजरत साल से मनसूब किया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए कुरेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन है हज़ूर पाक सल अल्लाह वसलम के दंदान मुबारक किस गजवा में शहीद हुए थे गजवाए उहद में तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट है बग़ैर बाप के मुजाना तौर पर पैदा हुए बगैर बाप के मुजाना तौर पर हज़रत ईसा ईसीाम पैदा हुए थे मेरे ख़्याल वो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा तो वही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन है जब मोमनों को अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका बढ़ जाता है ईमान उनका ईमान बढ़ जाता है तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है सुबहान अल्लाह कहने को इस्तलाहन क्या कहते हैं सुबहान अल्लाह कहने को हम तस्बीह कहते हैं तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है इसके साथ ही आखिरी पार्ट का भी अख्तितमाम हुआ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जजाकर